वेलकम बैक गाइस, आज मैं आया हूँ अपनी गाड़ी लेके फिर से। मेरे को जाना है एक और रोड ट्रिप पे, लेकिन उससे पहले मेरे को इसमें एक काम करवाना है जो मैं लास्ट टाइम कश्मीर ट्रिप में नहीं करवा पाया था और मेरे को उसके कारण दिक्कत भी हुई थी। प्रॉब्लम यह है कि हिमाचल जम्मू में जब आप फोन सामने खड़ा करके उसको जब नेविगेशन आप देखते हो, उसको नेविगेशन के लिए भी इवन यूज़ करते हो, तो भी पुलिस वाले बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं अलाउड। सो मेरे को एक बार फ़ाइन पड़ चुका है इसके लिए, तो मेरे को अगला ट्रिप जो है मेरा हिमाचल की हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को फिर से फ़ाइन फिल करना पड़े। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना म्यूज़िक सिस्टम ही अपग्रेड कर रहा हूँ। जो पुराने वाला सिस्टम है वो हम निकाल देंगे, उसकी जगह हम 7-inch टच स्क्रीन एंड्रॉयड लगाएंगे। एंड्रॉयड क्यों लगाएंगे वो भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। एंड्रॉयड के फेवर में मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि एंड्रॉयड के साथ आपको हॉटस्पॉट चाहिए, चाहे आप कोई जियो का जैसे डिवाइस आता है वाईफाई वाला वो ले लो, चाहे अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन करके उसको कनेक्ट कर सके। वो एक चलता फिरता मोबाइल है गाइज आपकी कार के लिए, एक 7-inch का आपको मोबाइल मिल जाएगा एंड्रॉयड। आप प्ले स्टोर की अपनी आईडी यूज़ कर सकते हो, अपनी ऐप्स वगैरह कुछ भी, यूट्यूब कॉलिंग कूलिंग कुछ भी उसमें आप इंस्टॉल करके सब कुछ जैसे आप एक एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हो वैसे उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अंदर चलते हैं एक बार, भैया ने मेरे से बात होगी है, भैया की मेरे से, उन्होंने 2-3 सिस्टम मेरे को दिखाया अपने बजट के अकॉर्डिंग। मैंने 1-2 सिस्टम देखे हैं और उनमें से एक मैंने सेलेक्ट भी कर लिया, एक बार जाके वो आपको दिखा देता हूँ, देन उसकी इंस्टॉलिंग शुरू करते हैं। ये 3 जो म्यूज़िक सिस्टम है ये दिखाए हैं, एक तो ये आ गया 7-inch में, एक 7-inch में ये आ गया और एक ये 7-inch में पड़ा हुआ है। और इनमें कुछ मेमोरी का हिसाब होता है, ये 2GB के साथ है, ये 2GB के साथ होगा, ये 1GB के साथ होगा। वारंटी 1-1 साल की है, इसकी 2 साल की है। तो मैं जो जा रहा हूँ इस वाले के साथ, 7500 का मेरे को ये कॉस्ट कर रहा है और इसके साथ मेरा पैनल भी चेंज होगा। फ्रेम आप दिखा सकते हो कौन सा? अच्छा गोडाउन में, तो कोई भी गाड़ी स्विफ्ट होगी कोई भी होगी, सबका अवेलेबल होगा? हाँ सबका अवेलेबल होगा हमारे पास रेडी स्टॉक। तो गाइस कोई भी पुरानी गाड़ी है लाइक स्विफ्ट पड़ी है आपकी, ये इस तरह से फ्रेम आ जाएगा। तो ये फ्रेम पुराने वाला निकलेगा, नए वाला लगेगा और उसके बीच में ये एंड्रॉयड सिस्टम अटैच है। एंड्रॉयड क्यों ले रहा हूँ मैं वो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो चलिए जल्दी से इसको डन करते हैं, ये जो 75 वाला है इसको डन करते हैं क्योंकि बजट में अपने यही है और 1-1.5 साल ये मैंने आपको बताया था गाड़ी रखूँगा और उसके बाद सेल कर दूँगा, तो ये हमारा अपने बजट में इसको लगाते हैं और देखते हैं इसकी कैसी लुक आती है और कैसे वर्क करता है। चलिए काम नहीं है, एक मेरे को आउटर पैनल मैंने परचेज़ किया है और इसमें क्या होगा कि ये बटन सिस्टम जो जितने भी हैं सारे सेंटर वाले सारे उड़ जाएंगे और इसके बीच में टच स्क्रीन आ जाएगी। इसको खोलेंगे, ये सिंपली ऐसे लॉक सिस्टम है, आराम से सीधा ही निकल जाएगा। भाई अभी थोड़ा सा हल्की सी वायरिंग का काम है, वो एक बार कंप्लीट हो जाए फिर जैसे ही नया सिस्टम आता मैं आपको दिखाता हूँ, देन उसको चला के देखेंगे इसमें फंक्शन क्या क्या है और क्या क्या आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। ये हमारा पुराना पैनल था, ये हमारा नया पैनल फिट हो रहा है। इसमें से जो एसी के वेंट थे ये हो गया, इस साइड हो गया, जो कंट्रोल थे हमारे वो सारे इसमें से निकाल के इधर फिट कर दिए गए हैं, एज इट इज़ फिट हो जाएगा। आप चाहे i20 गाड़ी हो चाहे स्विफ्ट हो कोई भी गाड़ी हो, ये पैनल आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, आप उसमें से निकाल के इजीली फिटिंग हो जाएंगे, बस आपको निकालना और सीधे उसमें स्क्रू टाइट करना है बस और कुछ नहीं। तो इसके बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे हमारा 7-inch टच स्क्रीन एंड्रॉयड वाला फिट होगा। इस तरह से हमारा नया फ्रेम बन गया, इसके बीच में 7-inch टच स्क्रीन आएगी। मैंने एक बार सैंपल की तौर पे इसमें लगा के चेक कर लिया जस्ट ऐसे रख के, अल्टीमेट फिनिशिंग आ रही है, कोई ऐसा नहीं है कि उबड़ खाबड़ा। मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट था क्योंकि बिल्कुल जो हमारा म्यूज़िक सिस्टम था, जो हमारा डिस्प्ले थी वो बिल्कुल स्क्वायर में थी, मेरे को था कि कहीं फिनिशिंग में कोई दिक्कत ना हो, बट ये जो फ्रेम बना है ना वो ये इसी हिसाब से बना है, इसी डिज़ाइन से बना है कि वो बिल्कुल भी और नहीं लगता, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ वो आ रहा है। एक बार फिट होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यार किसी के पास अगर कोई पुरानी गाड़ी है, चाहे स्विफ्ट है कोई भी गाड़ी है, इवन सेंट्रो तक भी अगर आपके पास है पुरानी, ऑल्टो तक है, तो उसका भी आपको मार्केट से फ्रेम मिल जाएगा, उसमें भी आप टच स्क्रीन लगवा सकते हो। ज़्यादा खर्चा नहीं है मेरा, अप्रॉक्सीमेटली सारा खर्चा 8500 के अराउंड आ रहा है। सो ऑलराइट गाइस, सिस्टम हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो चलिए वो चेक कर लेते हैं। सो एंड्रॉयड है फुली का फुली, 2 तरह के इंटरफेस आपको मिल जाएंगे, एक तो सिंपल इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा, दूसरा कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। तो 2 इंटरफेस है इसमें, और अगर बात करें तो
सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है हमें सीधा ही MP3 जो म्यूज़िक होगा हमारा उसके लिए, यहाँ पे हमारी स्पीड आ जाएगी, यहाँ पे जो भी आप पेन ड्राइव में गाने इसमें लगा के वो हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कॉलिंग का ऑप्शन है, और देन रेडियो, देन सेटिंग्स हो जाएगी इस सिस्टम की, देन यहाँ पे वीडियोज़ का ऑप्शन है, जो भी आप वीडियो प्ले करना चाहते हो, जहाँ कोई मूवी है या कुछ भी है वो आप प्ले कर सकते हो। सेम थिंग अगर हम दूसरे इंटरफेस में खोलें तो यहाँ पे आपको पहले ब्लूटूथ का आ जाएगा, फिर म्यूज़िक का आ जाएगा। सो रेडियो, वीडियो, ये गूगल क्रोम आ जाएगा, ये सेटिंग्स आ जाएंगी, कैलेंडर, कैलकुलेटर। सो डाउनलोड अगर आप कुछ नेट से कर रहे हो वो मिल जाएगा आपको, GPS आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और इधर YouTube आपको मिल जाएगा, ये आपका प्ले स्टोर आ जाएगा यहाँ पे। सो बड़ा इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। फ़ोन लिंक से आप अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हो, इस पर अगर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगर आईफोन से अगर हॉटस्पॉट कर रहे हो तो यहाँ से आ जाएगा, एंड्रॉयड USB यूज़ करके कर रहे हो तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये ऑप्शन है। ऑलराइट गाइस, म्यूजिक सिस्टम हमारा अपग्रेड हो चुका है। मैं ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा किसी और म्यूजिक सिस्टम के साथ, क्योंकि ना तो मैंने अपनी गाड़ी में पहले कभी ये चीज़ इंस्टॉल करवाई थी, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस हो, मैं इतना ज़्यादा नहीं तारीफ करूँगा इसके लिए। लेकिन जो भी है, इतने बजट में अगर आपकी कोई पुरानी गाड़ी है, लाइक कोई भी स्विफ्ट, जुफ्ट, मैं जैसे कि ऑलरेडी बोला आपकी पुरानी गाड़ी है जिनमें टच स्क्रीन सिस्टम नहीं आता था, इतने बजट में अगर आपको टच स्क्रीन मिल रही है और एक एंड्रॉयड सिस्टम के साथ सारा का सारा फंक्शन मिल रहा है, सो आई मस्ट से कि आप जाओ उसके साथ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका गाड़ी के साथ। मेरे को तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है कि हाँ, गाड़ी में सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे रखेंगे तो अच्छा लगता है यार। सो अपग्रेड करवा सकते हो आप। तो चलिए, किसी भी सिटी में कहीं पे भी आप कार शॉप पे जाओगे ये आपको इजीली मिल जाएंगे। ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, मैंने ऑनलाइन पहले प्राइस चेक किए थे, सब कुछ सारा सर्वे करके आसपास सारे एरिया में पूछताछ करके तो ही मैंने यहाँ से इंस्टॉल कराया, यहाँ पे मेरे को सस्ता मिला ये। सो आप भी जहाँ से भी करवाओगे एक बार थोड़ा घूम फिर लो, प्राइस का पता कर लो तो आइडिया हो जाता बंदे को। सो चलिए, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।